सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, हम पढ़ते आ रहे हैं आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें दोस्तों हमने दो यूनिट कंप्लीट पढ़ ली है, उन पे आधारित सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। और इसमें दोस्तों अब हम आगे पढ़ने वाले हैं आपके यूनिट थ्री को। यूनिट थ्री में दोस्तों दो चीजें आपको पढ़नी है, माध्यांक जिसे हम माध्यिका भी बोलते हैं और बहुलक। बस ये दो चीजें बहुत ही इजी हैं दोस्तों, यही दो चीजों पे प्रश्न आते हैं, यही आपको देखने हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा आपके यूनिट तीन के माध्यांक तथा बहुलक के, जिसे हम लोग इंग्लिश में मीडियन तथा मोड बोलते हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपसे छूट गई हैं, आपने नहीं देखी हैं, तो आपको मैं लिंक दे रहा हूं ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, वहां से जाकर के आप सभी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट थ्री को। देखिए, पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय में संख्याओं दो दो चार छ तीन चार दो पांच आठ का बहुलक होगा। अब यहाँ दोस्तों कुछ संख्याएं आपको दी गई है और पूछ रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा। अब बहुलक क्या होता है दोस्तों, अगर कुछ संख्याएं आपको दी गई हैं तो उन संख्याओं में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, उस संख्या को हम लोग बहुलक बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कौन सी संख्या बहुलक है। तो दोस्तों जब भी आपको बहुलक या माध्यिका माध्यांक जब भी आपको ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले आप लोग एक काम किया करिए, सबसे पहले आप लोग संख्या को आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लगा लिया करिए, असेंडिंग ऑर्डर में आपको अंकों को लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है, सबसे छोटी संख्या आपको दिख रही है दो, और दो कितनी बार है, एक दो तीन बार दो है, तो तीन बार आप दो लिख लीजिए। और देखिए फिर इसके बाद कौन सी संख्या है, तीन, तीन कितनी बार है, एक बार। फिर चार देखिए, चार इसके बाद है, चार दो बार, और फिर पांच है एक बार, फिर छह है, फिर आठ है। तो ये हो जाएगा पांच छह और आठ, जैसा कि यहाँ पे आप, फिर इसके बाद आप संख्याओं को भी गिन लीजिए कितनी संख्या आपको दी हुई है, तीन तीन छह तीन नौ संख्या दी हुई है, और आपने कितनी लिखी है ऑर्डर में, ये देखिए तीन तीन छह और तीन नौ, मतलब हमने सभी संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में लगा लिया है। अब दोस्तों आपको दिख जाएगा कौन सी संख्या कितनी बार आ रही है। तो देखिए दो तीन बार आ रहा है, तीन एक बार आ रहा है, चार दो बार आ रहा है, पांच छह और आठ एक एक बार आ रहे हैं। दोस्तों बहुलक वही संख्या होती है जो सबसे अधिक बार आई होती है, तो यहाँ पे सबसे अधिक बार दो आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, इन संख्याओं का जो बहुलक हो जाएगा वह दो हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या दो है दोस्तों, पंद्रह चौदह दस आठ बारह आठ सोलह का माध्यांक होगा। अब दोस्तों माध्यांक लिखे या माध्यिका लिखे या फिर जिसे हम मीडियन कहते हैं इंग्लिश में, इन दोनों का जो मतलब दोस्तों एक ही होता है। तो अब माध्यांक या माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले सबसे पहले संख्याओं को ऑर्डर में लिख लेते हैं, जैसे बहुलक में हमने किया, तो सबसे पहले ऑर्डर में आप लिख लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे सबसे छोटा अंक आपको क्या दिख रहा है, आठ, और वह कितनी बार आ रहा है, दो बार, तो आप लिख लीजिए आठ कामा आठ। इसके बाद क्या है, इसके बाद है देखिए, इसके बाद दस आ रहा है तो दस लिख लीजिए, फिर है बारह, फिर है चौदह, फिर पंद्रह, फिर सोलह, इस प्रकार लिख लीजिए आप बारह चौदह पंद्रह और सोलह। तो देखिए यहाँ पे कितने अंक हमने लिख दिए, चार तीन सात, और यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, चार तीन सात। तो जितने अंक दिए थे सबको आपने ऑर्डर में लगा लिया, बढ़ते हुए क्रम में आपने लिख लिया है। अब देखिए माध्यांक क्या होता है, यह आप समझिए। अब दोस्तों माध्यांक या माध्यिका वह अंक या वह स्थान होता है इस अंकीय श्रृंखला में, जो ये नंबर्स आपने लिखे हैं, इन नंबर्स में वह
स्थान होता है जो संख्याओं को बराबर भागों में बांट देता है, मतलब कि लेफ्ट पे बराबर संख्या होगी और राइट पे, वो अंक जहां पे होगा उस अंक के दोनों तरफ बराबर अंक होंगे। और कब होगा ऐसा? ऐसा तब होगा जब संख्याएं जो हैं वह ऑर्डर में लिखी हुई हों, अवरोही क्रम में लिखी हुई हों। तो दोस्तों संख्याओं का ऑर्डर में होना बहुत जरूरी है, और मध्यांक या मध्यिका क्या होती है, वह संख्याओं को जो ऑर्डर में लिखी होती हैं उन्हें दो बराबर भागों में बांटने का काम करती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको वह संख्या देखनी है जो दो बराबर भागों में संख्याओं को बांट रही है। तो यहाँ पे देखेंगे आप इस प्रकार, जैसे मैं आपको देखने से आपको मैं बता रहा हूं कि तीन अंक इधर हैं और तीन अंक इधर हैं, तो 12 जो हो जाएगा वह हमारी माध्यिका या माध्यांक हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला भी आप देख लीजिए। अगर दोस्तों जो संख्याओं की संख्या है वह विषम दी हुई है, विषम मतलब जो दो से ना कटती हो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है सात, सात संख्याएं दी गई हैं यहाँ पे। अब दोस्तों अगर संख्याओं की जो जो संख्याएं आपको दी गई हैं इनकी संख्या, इनकी जो गिनती है वह विषम है, तो आपके पास फॉर्मूला होता है। देखिए संख्या हमें दी गई है वह विषम है, तो मध्यांक निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, मध्यांक बराबर होता है एन धन एक बटे दो, वां पद जो होता है वह मध्यांक होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एन क्या है यह आप सोच रहे होंगे, तो एन जो है वह संख्याओं की गिनती है, मतलब संख्याओं की संख्या है, जो संख्या यहाँ पे दी गई है। जैसे यहाँ पे आपको जो संख्या दी गई है वह सात दी गई है, तो n की जो वैल्यू है यहाँ पे सात है, और n की वैल्यू विषम है, तो इसीलिए हम लोग यह फॉर्मूला लगा रहे हैं। नहीं तो अगर n की वैल्यू सम होती तो हमारे पास यह फॉर्मूला होता है, यह क्या होता है, एक बटे दो और ब्रैकेट में n बटे दोवां पद। अब देखिए यहाँ n में कुछ जुड़ा नहीं है क्योंकि n जो है वह सम है, तो n बटे दोवां पद धन n बटे दो धन एक। अब यहाँ n में एक नहीं जुड़ रहा है, अलग से एक जुड़ रहा है, तो n बटे दो धन एक वां पद, मतलब कि यहाँ पे हम लोग दो पदों को आपस में जोड़ करके उनको दो से भाग दे देंगे, तो जो वैल्यू आती है उसे हम लोग मध्यांक बोलते हैं जब संख्याओं की संख्या सम दी होती है। तो अब यहाँ पे हमें बस विषम का फॉर्मूला लगाना है, तो विषम में देखिए n धन एक वां पद, तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू सात दी गई है, तो सात धन एक बटे दो यानी कि चौथवा पद। अब यहाँ पे दोस्तों चौथवा पद हमें देखने को मिल जाएगा, मध्यांक हमारा चौथा पद आ रहा है। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से तो तीन पद आप छोड़ दीजिए पहले के, और उसके बाद चौथा पद जो है वह आपकी मध्यिका है। तो तीन पद हमने छोड़ दिए और चौथा पद जो है वह हमारी मध्यिका है। जैसे हमने शुरू में देखा था कि 12 आ रहा था बिना फॉर्मूले के भी, वैसे ही अगर फॉर्मूले से भी आप निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 12। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वह दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या तीन है, अंकों 3, 7, 9, 13, 18, 18, 24 का बहुलक है। तब दोस्तों पहले प्रश्न की तरह ही यह भी प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है बहुलक क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो संख्याएं दी गई हैं हमें वह ऑर्डर में हैं या नहीं। तो यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं दोस्तों वह बढ़ते हुए क्रम में दी गई हैं, 3, 7, 9, 13, 18, 18, 24। तो अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि केवल एक संख्या ऐसी है जो दो बार आ रही है, नहीं तो बाकी संख्याएं जो हैं वह एक एक बार केवल आई हैं। तो 18 जो हो जाएगा दोस्तों वह हमारा बहुलक हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या चार है दोस्तों, आंकड़ों के मध्य में आने वाला अंक ही कहलाता है। तो दोस्तों आंकड़ों के मध्य में अभी हमने देखा कि जो अंक आता है आंकड़ों के मध्य में उसे हम लोग मध्यांक बोलते हैं, मध्यांक या माध्यिका, यही दो चीजें हैं दोस्तों। और आप लोग गड़बड़ मत करिएगा, गलती मत करिएगा, या तो मध्यांक लिखा होगा या तो माध्यिका लिखा होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पदों
24, 18, 24, 20, 22, 24, 24, 24, 26, 26 का बहुलक होगा। तो दोस्तों इसे आप ऑर्डर में लगाइए तो सबसे छोटा अंक यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सबसे छोटा अंक जो हमें दिख रहा है वह है 15। फिर इसके बाद 18 है एक पद, अब इसके बाद देखिए 15, 18, फिर 20 और 22 एक एक बार आए हैं। अब इसके बाद देखिए 15 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया। अब 22 के बाद आपको जो पद दिख रहा है वह है 24। 24 कितनी बार दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 बार 24 दिख रहा है। तो 5 बार आप 24 लिख लीजिए, 4 बार ये हो गया और ये 5। और फिर इसके बाद आपको कौन सा पद दिख रहा है, इसके बाद है 26, दो बार आया है तो दो बार 26 लिख लीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों आप संख्या गिन लीजिए कितनी है, कितनी दी हुई थी पहले आपको, 4 और 4 8 और 3 11। अब इसके बाद जो आपने क्रम बनाया है उसमें गिन लीजिए, तो 3 3 6 2 8 8 3 11 बराबर है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि कौन सी संख्या बहुलक है, जो 24 है दोस्तों वह 5 बार आया है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा 24 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न संख्या 6 12 14 8 12 8 16 13 का मध्यांक होगा। तो सबसे पहले हम लोग संख्याओं को ऑर्डर में लिख लेंगे, तो सबसे छोटी संख्या जो यहाँ पे है वह क्या है, 8। तो 8 देखिए कितनी बार आया है, 8 तीन बार आया है, तो 3 बार 8 को लिख लेते हैं हम लोग, 8 को हमने 3 बार लिख लिया। अब इसके बाद कौन सी संख्या है, इसके बाद संख्या है 12 जो कि 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 12 आप 2 बार लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए कौन सी संख्या है, तो इसके बाद 13 है, फिर 14 है, फिर 16 है, तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे 13 14 और 16। तो ये हमने लिख दिया कितनी संख्याएं दी गई थी, 3 3 6 2 8। अब यहाँ पे कितने लिखा, 4 4 8 संख्याएं हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे हमसे मध्यांक पूछ रहा है दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखिए सम संख्याएं हमें दी गई हैं, तो सम संख्याओं का मध्यांक हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं 1/2 ब्रैकेट में एन बटे दो वहां पद धन एन बटे दो धन एक वहां पद, इन दोनों का जोड़ के हम लोग आधा ले लेते हैं। तो देख लीजिए n बटे दो पद, अब n की वैल्यू आपको कितनी दी गई है यहाँ पे, यह देख लीजिए n की वैल्यू यहाँ पे 8 है, क्योंकि 8 पद दिए गए हैं, तो 8 हो जाएगी n की वैल्यू। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम लिखेंगे 1/2 और 8/2 पद, दोवा पद धन, अब यहाँ पे 8/2 धन एक वां पद, अब आप लिख लीजिए वैल्यू 1 8/2 यानी कि चौथा पद, यहाँ पे चौथा पद लिखेंगे धन 8/2 यानी कि 4 धन 1 वां पद यानी कि 5वां पद। तो यहाँ पे हम लोग चौथा पद लिखेंगे धन 5वां पद लिखेंगे, तो आप लोग लिख लीजिए कितना होगा, देखिए चौथा पद यहाँ पे क्या है 12 और 5वां पद भी क्या है वह भी 12 है, तो लिख दीजिए 12 धन 12 हो जाएगा और 1/2 आप लेंगे, 12 12 जुड़ेगा 24 हो जाएगा, 24 का गुणा 1/2 में होगा कितना आएगा 12। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी 12। अब अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 7 संख्याओं 8 10 13 10 11 13 10 13 10 8 10 का बहुलक होगा। तो इसे आप क्रम से लगा लीजिए, यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या जो हमें दिख रही है वह 8 दिख रही है, और 8 कितनी बार आ रहा है, 8 आ रहा है 2 बार, एक यहाँ पे फिर यहाँ पे। अब इसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 9 तो है नहीं, फिर 10 है, तो 10 कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5 बार 10 है यहाँ पे, तो 5 बार 10 आप लिख लीजिए। इसके बाद देखिए इस 10 से बड़ी संख्या 11 है, तो 11 कितनी बार है यहाँ पे, 11 दोस्तों यहाँ पे एक बार है बस, तो एक बार आप लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए 13, 12 है नहीं तो 13 है इसके बाद, तो 13 देखिए कितने बार है, 1 2 3 बार 13 है, तो 3 बार 13 लिख दीजिए, 1 2
और 3 बार 13 हो गया। यहाँ पे एक बार गिन लीजिए दोस्तों, संख्याएं मेल खा रही हैं कि नहीं। 4, 4 8 और 3 11 संख्याएं दी गई हैं। हमने यहाँ पे कितना लिखा है, 2 और 5 ये 7, 7 और 4 11, 11 11 बराबर हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बहुलक कौन सा है, तो दोस्तों बहुलक वो है जो सबसे बार आया है, यानी कि 10। तो 10 जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी जो है 10 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों इतने ही प्रश्न बनते हैं बहुलक और माध्यिका पे, बहुत तरीके के प्रश्न नहीं बनते हैं क्योंकि बहुत ही सरल यूनिट है। बस आपको माध्यांक या माध्यिका जिसे हम बोलते हैं वह निकालने आना चाहिए और बहुलक निकालने आना चाहिए। बस इसमें दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि संख्याओं को आप ऑर्डर में लिख लीजिए और बस देख लीजिए कि जितनी संख्याएं आपको दी हुई हैं उतनी संख्याएं आप ऑर्डर में लिख रहे हैं कि नहीं, आरोही क्रम में लिख रहे हैं कि नहीं। यही गलती होती है दोस्तों, बस संख्याओं को सही से लिखना होता है आपको और आगे का प्रोसेस तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ईजी है। तो दोस्तों अब इसमें आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, या वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस आपसे मिस ना हो। आगे की वीडियोस आप देखने के लिए ऊपर गणित के प्लेलिस्ट पे लिंक पे क्लिक करिए, उसमें आपको गणित से जुड़ी सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, जैसे पिछली वीडियोस हैं। जो आने वाली वीडियोस हैं दोस्तों वह भी आपको इसी गणित के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, और बाकी विषयों के भी लिंक आपको दिए गए हैं। तो आप लोग गणित पढ़िए और बाकी विषय भी पढ़िए। अब अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग इसके अतिलघु उत्तरी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, और उसमें हम लोग कुछ थ्योरिटिकल और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो वह वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।